Morning guys, another day, another vlog. I hope you liked yesterday's vlog, and thank you so much for your love and appreciation received from some of the new subscriber, and of course from my existing subscriber. It is very heartening to see your comments and your likes on the video. And in continuation of the same vlog, since I captured a lot from Hyderabad, I'll be posting a couple of more vlogs today and tomorrow. I'll be doing a review of IKEA, and of course in one of the vlogs I'll be doing review for the hotel where I stayed, ITC, and city as such. So stay tuned, and thank you so much for your love and appreciation. Stay safe, take care, and be good. See you soon. Bye bye, take care. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try puff on the right side, put it up in your mind? So this is where I'm getting into now. The last IKEA store I visited was in Dubai, way back I think in 2015. और आज इंडिया का जो सबसे बड़ा और जो सबसे पहला आइकिया का स्टोर है वो हैदराबाद में है, और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अंदर अगर कुछ अपने मतलब का मिला. बट प्रेटी एक्साइटेड बिकॉज लुक्स लाइक अ मैसिव मैसिव स्पेस. देखते हैं अपने मतलब का कुछ मिलता है, और अगर मिला तो हाँ आप लोगों से तो पक्का शेयर करूँगा ही करूँगा पक्का. तो मेरे को अंदर जाके रिकॉर्ड करने दीजिए, तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. यार एक चीज़ तो है, हैदराबाद में मेरे को एक चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगी, बिकॉज बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं. सो व्हेन आई लुक एट दी ऑफिसेज, दी बिल्डिंग्स, सुपर्ब, एक नंबर एक नंबर. एंड ओवरऑल क्लाइमेट को छोड़ दो जो कि ह्यूमिड है, बट अदरवाइज सो फार, मैं इनफैक्ट ये सिटी विजिट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 साल बाद. आई थिंक लास्ट मैं जब आया था 2005-06 में आया था, एक इवेंट था रामोजी फिल्म सिटी, वहाँ रुका था एंड आई वॉज देयर फॉर 4-5 days. बट उसके बाद जब मैं अब आके देख रहा हूँ तो बहुत चेंजेस हैं. द सिटी लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी. Inside the IKEA, and some of the setups looks very 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 good. Lanterns over here, and sofa sets, cushions. Challenger लेके कैसे जाऊँगा वापस यार, पता लगा जितने का सामान नहीं है उससे ज़्यादा जो है मैंने अपना लगेज का पे कर दिया विस्तारा वालों को. बट ये सम ऑफ देम absolutely looks stunning. Look at it, this looks superb. So does this one, man. This vlog is gonna be one of the best vlogs, and there is no dearth of the content here. Agar aap dekho bhaiya, aa jao Hyderabad, aa jao to have a look at it. But overall it looks amazing, amazing. The only challenge is how do I carry it with me and fit in. Look at this, this would look glam in the kitchen, absolutely glam. This is a bedroom setup, and overall looks amazing. So there's a confusion which I need to check. Hi, I have a confusion. Hi. So how many pieces are there in this one? One piece, sir. Just one piece, right? Thank you so much. This is only covers. The pillow covers, right? The cushion covers, right? Thank you so much. So confusion cleared. There's one piece of this cushion cover in one pack. I was thinking there are two of them, but दिल ललचा रहा है, ले लूँ क्या? बीवी से गाली पड़ेगी. ठीक है,
यार ये ना सेंटेड कैंडल्स होती है ना मस्त है। मैं 2015 में लेके आया था आईकिया से ही, और अभी तक कुछ एक चल रही हैं। खैर ले ली हैं, दो तीन ले ली हैं, देखते हैं। बट देन जो मैंने यहाँ से ली हैं दे स्मेल वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई पिक्ड अप फ्रॉम आईकिया दुबई। एंड दिस इज़ अ टूल किट हमारे काम की है नहीं है, और एनी वेज मैं फ्लाइट में लेके नहीं जा सकता, सो फॉरगेट इट। वॉल माउंटेड कह लीजिए या फ्लोर माउंटेड कह लीजिए, दिस कैबिनेट्स दे लुक ग्रेट। यार लिमिटेशन है क्या क्या लेके जाऊँ, नीयत ख़राब हो रही है देख के, बट चैलेंज वही है ले जाने का यार। और अनफॉर्चुनेटली अभी आईकिया दिल्ली में आया नहीं है, गुड़गांव में आया नहीं है, सो हैदराबाद से कुछ एक लिमिटेड स्टफ व्हाट आई कैन बाय व्हाट आई कैन कैरी विद मी इज समथिंग विच आई विल पिक अप, देखता हूँ। और ये भी चैलेंज है लेके जाना, दो दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बट मेरे लिए चैलेंज अलग है, मैं लेके नहीं जा सकता। और लेट अस हैव अ लुक एट वन मोर सेटअप, अ स्मॉल बेडरूम मे बी फॉर द किड्स। हाँ दिस इज द किचन सेटअप लुक्स ब्यूटीफुल। अरे यार ये अगर घर पे दिखा दिया तो मोटा बिल फटा, बीवी बोलेगी भाई किचन पूरी रीडिज़ाइन करो, और वो अभी मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स पे नहीं है, प्लान में नहीं है। अच्छा सेटअप है, एक छोटी सी जगह को अच्छा सा कन्वर्ट किया, दे मेड इट अ गुड नाइस लुकिंग बाथरूम। एंड दिस प्रोबेबली इज द सेटअप फॉर किड्स बेडरूम, मच स्मॉलर देन मेरे बच्चों के बेडरूम से, बट वेरी वेल मैनेज है। स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, लुक्स ब्यूटिफुल गाइस, ग्रेट आइडियाज। कंसल्टेंट्स को पैसे देने के बजाय आई थिंक यू शुड कम टू आईकिया। आई एम नॉट चेकिंग द कॉस्ट, ओके द बेड इज़ फॉर 26,000, मच चीपर देन वॉट यू गेट एट मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सच प्लेसेस, बट ओवरऑल लुक्स गुड। सो ऑलरेडी पिक्ड अप सम स्टफ, अब बीवी से गाली ना पड़े। दिस इज लवली, दिस लुक्स अमेजिंग, इसको वापस कैसे लेके जाऊंगा साथ में, दैट इज चैलेंज, बट अदरवाइज इट लुक्स ब्यूटिफुल। नॉट एज बिग एज आईकिया दुबई और आईकिया यूरोप, बट देन कंपैरेटिवली आई थिंक अच्छा, नॉट अ बैड स्टार्ट। दिस काउच इज व्हाट आई लव, एंड यहाँ से हैदराबाद से ले जाना मुश्किल है, बट देन इन केस इफ दे ओपन अप इन गुड़गांव, दिस इज समथिंग सर्टेनली आई वुड लव टू बाय इट फॉर माय होम। एंड बालकनी के लिए अच्छा है यार ये, यहाँ की प्रॉब्लम एक ही है यार, ऐसी जगहों पे आके ना नीयत बड़ी ख़राब होती है। एंड अगर ऐसी जगह पे आना हो, मेक श्योर यू आर नॉट कैरिंग योर क्रेडिट कार्ड, यू आर नॉट कैरिंग एनी कैश विद यू, अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली रॉब्ड, रॉब्ड, ट्रस्ट मी यू विल गेट रॉब्ड। देखता हूँ और क्या कैप्चर होता है, लुक एट इट, ओवरऑल सो वेल लुक्स नाइस, मच पार्ट ऑफ इट इज ग्लास एंड लिटिल ऑफ इट इज वुड एक्चुअली। So the only challenge is from my previous experience, I don't know how durable they are, but from the looks perspective, it looks absolutely great. Look at it. Especially the glasses which have been placed inside. Must lag rahe hain. Price wise, theek hai yaar. Zyada mehenga nahi hai, but haan, agar aap looks wise dekhoge, toh it looks amazing. And problem ye hai ki ye jab vlog, mere subscriber ke alawa, jab meri wife dekhegi, toh probably mere liye wo bahut bada challenge hone wala hai. Because most of the things which are here are of course of her liking, and the only challenge is how do I get her here to Hyderabad, buy it and take it back to Delhi. That's a big challenge here. But the other great thing is, you know, even in the current circumstances, agar aap dekhenge, there is very decent occupancy, quite a few people here out for shopping, and that's encouraging thing, not only from the business perspective but otherwise also. कहीं ना कहीं यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स, वो हम एक बंधे हुए में रहते रहते अब थक गए हैं, बट हाँ ओ माई गुडनेस द वाइट कलर एब्सोल्युटली लुक स्टनिंग गाइस, आई एम इन लव विद दिस प्लेस। व्हाट इज दिस फ्लावर पॉट्स, स्मॉलर वंस,
सो दिस एटलीस्ट आई कैन स्टिल पिकअप, ये तो एक लेके जा ही सकता हूँ यार, ठीक है। लगेज को चेक इन मारना पड़ेगा, ठीक है चलेगा यार, तो एक उठा लेते हैं। सब बात नहीं करूँगा यार, अब सिर्फ आपको दिखाता रहूँगा, बोल बोल के ना थक गया हूँ और एनर्जी लूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखते जाओ और इन्जॉय करो, और कई बार क्या होता है देखने में ही जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और इसको पूरा अगर कवर करने चला प्रॉपरली तो फिर तो एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो बातें कम करते हैं और कैप्चर ज़्यादा करते हैं, सो दैट यू गाइस कैन हैव आइडियाज़, अगर इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीडू योर प्लेस। वेट करना पड़ेगा, मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर दिल्ली से हैं और यहाँ आके देखना मुश्किल है। बातें कम कैप्चरिंग ज़्यादा। ये मेरे बच्चों के मतलब का सामान है, और देखते जाओ यार, बस बुलवाओ मत मुझसे बस। आइकिया हैदराबाद, यू रॉक गाइस, एब्सोल्युटली यू रॉक। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि नीयत ख़राब हो और मैं इतना उठा लूँ कि जो मेरे ले जाने की कैपेसिटी से बाहर हो। सो गाइस कांट रिकॉर्ड ऑल ऑफ इट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ, यू कैन सी फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक आई विल हैव टू कॉल इट अ डे हियर एट आइकिया। जितना भी कैप्चर कर पाया वो दिखा दिया, बट और हिम्मत नहीं रही है। हेलो गाइस, आई होप यू वुड हैव सीन आइकिया पार्ट वन। मेरे को खुद हैरानी हो रही है, द अमाउंट ऑफ कंटेंट विच आई कलेक्टेड, विच आई क्रिएटेड वाज सो मच दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट इट इनटू वन व्लॉग। व्हाट आई डू इज़ आई विल स्प्लिट इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। एन्जॉय द फर्स्ट पार्ट जो हम आज पब्लिश कर रहे हैं, एंड देन वेट फॉर द सेकेंड पार्ट टू कम टुमारो। दिल नहीं कर रहा था यार उसमें से कुछ काटने का, बिकॉज इट वॉज सच फैंटास्टिक टूर ऑफ आइकिया। सो गाइज एन्जॉय पार्ट वन, पार्ट टू वी विल पोस्ट इट एंड पब्लिश इट टुमारो, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।